पैराग्राफ दिया हुआ है जिसे हम रीड करेंगे। इसको रीड करने से पहले हमें इस पैराग्राफ को समझना होगा, वे इसलिए क्योंकि रिया नाम की एक स्टूडेंट है जो 4th स्टैंडर्ड की है और वह 10 साल की है। उसके अकॉर्डिंग यह पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हमें इसको दिमाग में रखते हुए इस पैराग्राफ के जो ट्रांसलेट हैं उसे करना होगा। तो चलो इस पैराग्राफ को पहले रीड करते हैं। हाय, मैं रिया हूँ। मैं 10 साल की हूँ। मैं कक्षा 4 की विद्यार्थी हूँ। मैं रोज स्कूल जाती हूँ। मुझे स्कूल पसंद है क्योंकि मुझे नई चीजें सीखने में मजा आता है। मेरा पसंदीदा विषय कला है क्योंकि मुझे चित्र बनाना पसंद है, विशेष रूप से कार्टून्स। मुझे हिंदी पसंद है लेकिन मुझे अंग्रेजी अपेक्षाकृत अधिक पसंद है। मेरा सबसे अच्छा विषय संगीत है। मुझे हमेशा अपने टेस्ट में उच्च अंक मिलते हैं। मैं हर समारोह में भाग लेती हूँ। तो चलो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। हाय, मैं रिया हूँ। हाय, आई एम रिया। यदि आपका नाम मोहित है तो आप कह सकते हैं हाय, आई एम मोहित, और यू कैन से हाय, माय नेम इज मोहित। यहाँ पे रिया एक नाम है, अपने नाम के अनुसार आप इसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं एक सेंटेंस बताती हूँ बनाना, आप उससे रिलेटेड बहुत सारे नाम चेंज करके सेंटेंस बना सकते हैं, राइट? मैं 10 साल की हूँ। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। यदि आप 20 ईयर्स के हैं तो आप कहेंगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। मैं कक्षा 4 की विद्यार्थी हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास। यदि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। मैं रोज स्कूल जाती हूँ। आई गो टू स्कूल डेली। यदि आप कभी कभी स्कूल जाते हैं तो आप कहेंगे आई गो टू स्कूल समटाइम। मुझे स्कूल पसंद है क्योंकि मुझे नई चीजें सीखने में मजा आता है। हम स्कूल क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली बात है, जब हम स्कूल जाते हैं कुछ नया सीखते हैं। आई लाइक स्कूल बिकॉज आई एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स। न्यू थिंग्स मतलब कि कुछ नया, लर्निंग मतलब सीखते हैं, एंजॉय मतलब मजा करते हैं। आई लाइक स्कूल बिकॉज मतलब क्योंकि, इसलिए हम कहेंगे आई लाइक स्कूल बिकॉज आई एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स। मेरा पसंदीदा विषय कला है क्योंकि मुझे चित्र बनाना पसंद है, विशेष रूप से कार्टून्स। पसंदीदा विषय कला है तो कहेंगे माई फेवरेट सब्जेक्ट इज आर्ट क्योंकि, मतलब बिकॉज, मुझे चित्र बनाना पसंद है। आई लव टू ड्रॉ पिक्चर, विशेष रूप से कार्टून, इट मीन्स स्पेशली कार्टून्स। तो हम कहेंगे माई फेवरेट सब्जेक्ट इज आर्ट बिकॉज आई लव टू ड्रॉ पिक्चर्स स्पेशली कार्टून। मुझे हिंदी पसंद है लेकिन मुझे अंग्रेजी अपेक्षाकृत अधिक पसंद है। मेरा सबसे अच्छा विषय संगीत है। मुझे हिंदी पसंद है, आई लाइक हिंदी, बट मुझे अपेक्षाकृत अंग्रेजी पसंद है, इसलिए हम कहेंगे बट आई प्रेफर इंग्लिश। माई बेस्ट सब्जेक्ट इज म्यूजिक। हर किसी का एक बेस्ट सब्जेक्ट होता है जिसमें कहा जाता है तुम इस सब्जेक्ट में बेस्ट हो। पसंद कुछ और होता है, पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है किसी का बेस्ट सब्जेक्ट अलग होता है, राइट? मुझे हमेशा अपने टेस्ट में उच्च अंक मिलते हैं। आई ऑलवेज गेट हाई मार्क्स इन माई टेस्ट। उसको टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हाई मार्क्स मतलब उच्च अंक। ऑलवेज को हम हमेशा कहते हैं, इसलिए आई ऑलवेज गेट हाई मार्क्स इन माई टेस्ट। मैं हर समारोह में भाग लेती हूँ। समारोह मतलब फंक्शन में, भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना, इसलिए कहेंगे आई पार्टिसिपेट एवरी फंक्शन।